हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से निकाल के आई है, और इसमें ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन मांगी भी नहीं गई है ऐसा। और साथ ही साथ इसकी सैलरी की बात करें तो लाखों में सैलरी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में उसका नोटिस पे जाके, और देखते हैं क्या क्या इसका प्रोसेस रहेगा इसको अप्लाई करने के लिए। ये इसका नोटिस है। अब इस नोटिस में हम लोग देखेंगे, हेडिंग पे दिया गया है देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो उसका एड्रेस है, डेट वगैरह के साथ में दे दिया गया है दिल्ली का। यहाँ पे हम लोगों को वैकेंसी क्या क्या निकल के आई है, यहाँ पे हम लोगों को चार तरह के दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है चीफ फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर एरोप्लेन, सीनियर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर एरोप्लेन, फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर एरोप्लेन और एक फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर हेलीकॉप्टर के लिए आता है। तीन वैकेंसी पहला वाला, दूसरे में पांच वैकेंसी, फिर 29, फिर तीन दिया गया है 3, 5, 29 और थ्री वैकेंसी टोटल इसमें दिया गया है, चारों का अलग अलग। अब इसमें पर मंथ के आधार से अगर सैलरी देखें तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दी गई है। 7,15,100 दिया गया है, फिर 6,13,500, 4,22,800, 2,50,800 ये सैलरी पर मंथ के हिसाब से दिया गया है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट वाला बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब ये जो रहेगा अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन है, जो जो भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों का डॉक्यूमेंट के साथ में फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट सेल ए ब्लॉक दिया गया है, जो दिल्ली का एड्रेस है। लेटेस्ट बस सितंबर 25 फ्राइडे, ये 25 तारीख जो दिया गया है सितंबर का, उससे पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। और यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं, ये सब पॉइंट जो जो लिखा हुआ है, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैट्रिक का, 12 का लाइसेंस इसमें मांगा गया है देखिए, ATPL का, उसके बाद अपलोडेड लॉग बुक, स्वाइंग लास्ट डेट ऑफ फ्लाइंग, ये सब जितने भी हैं ये सब डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ये सब में डॉक्यूमेंट देने के बाद जो जो भी सिलेक्टेड हो जाएंगे, वो सब पहले लोग देखेंगे कि एलिजिबल कौन कौन हो पा रहे हैं डॉक्यूमेंट के आधार पे, वो सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये बुलाया जाएगा सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का सेकेंड वीक को बुलाया जाएगा। तो अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और एलिजिबल होने का चांस है, आप लोगों के पास फुलफिल है डॉक्यूमेंट, तो आप लोग अपना मेल आईडी अगर फॉर्म में मांगा हुआ होगा या फिर मोबाइल नंबर, तो आप लोगों का वो चीज़ करेक्ट दीजिएगा, ताकि इंटरव्यू के लिए जो भी कॉल आएगा या लेटर आएगा, मेल आएगा, या तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, चेक करते रहना पड़ेगा ये चीज़। अब नीचे आते हैं, नीचे में हम लोगों को क्वालिफिकेशन डिटेल मिल जाता है। जो पोस्ट हम लोग चार तरह के देखे थे, पहला वाला जो था उसके लिए 12 विथ फिजिक्स एंड मैथ, मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, शुड हैव एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होना चाहिए, शुड हैव ओपन रेटिंग ऑफ टाइप ऑफ एरोप्लेन हैविंग ऑल अप वेट एंड एक्साइडिंग 570 केजीज। ये पॉइंट जो दिए गए हैं, ये तो क्वालिफिकेशन हो गए। क्वालिफिकेशन के साथ में जो जो पॉइंट दिए गए हैं, क्या लाइसेंस होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब पॉइंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से दूसरा नंबर पोस्ट की बात करते हैं, तो इसमें भी फिजिक्स मैथ वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही अदर कंडीशन भी इसमें दिया गया है। तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो तीसरा नंबर में भी 12 फिजिक्स मैथ में मांगा गया है। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, टोटल एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 5,000 आवर्स दिया गया है और नॉट लेस देन 200 आवर्स पायलट कमांड ऑन द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में मांगा गया है। ये सब एक्सपीरियंस वगैरह डिटेल ध्यान देना होगा आप लोगों को। उसके बाद अगला वाला आता है, इसमें भी फिजिक्स मैथ वाले ही इसको भी भर सकते हैं, जो हेलीकॉप्टर वाला दिया गया है, जिसका सैलरी भी लगभग लगभग 2.5 लाख स्पष्ट दिया गया है। अब उसके नीचे आते हैं, तो हम लोगों का एक एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलता है, इसको प्रिंट आउट करके भर के साथ में डॉक्यूमेंट के साथ में भेज देना होगा दिल्ली का एड्रेस पे। यहाँ पे फोटो वगैरह चिपकाना पड़ेगा। यहाँ पे पोस्ट दे दिया गया है चारों का। इस पोस्ट में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज सेकेंड वाला पे मैं करना चाहता हूँ, तो सेकेंड वाला पे टिक कर दूंगा।
बाकी यहाँ पे डिटेल उसका भर देना पड़ेगा। प्रेजेंटिंग और पोस्टिंग क्या क्या है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेल आईडी देखिए मांगा गया है, और मोबाइल नंबर, ये तो एकदम एक्टिव वाला ही दीजिएगा, जो बंद है वो सब मत दीजिएगा। उसके साथ ही इसको अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो ये रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी बहुत कम, बट सैलरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सैलरी बहुत ही अच्छी खासी दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया है, इसका रूल रेगुलेशन भी दिया गया है, अदर पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि वो सब भी फुलफिल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।